फिर इसी तरह यह है कि वुजू के बाद अगर आप आजान सुन रहे हैं तो आजान का जवाब देना ना भूलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आजान सुनकर ये कहे, यानी अल्लाहुम्म रब्ब हाज़िहि दावत तामा वस्सलातिल क़ायमा आति मुहम्मदन अल-वसीला वल फ़ज़ीला वबअथ मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअतहु, तो ये क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके लिए शफात जायज हो जाएगी, लाजिम हो जाएगी। हल्लत लहू शफाती यौमल क़ियामा, यानी जो आजान के बाद की दुआ पढ़ेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात पाएगा। और इसी तरह वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, उस वक्त के लिए दुआ सोच रखे कि मैंने क्या दुआ मांगनी। एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में जो चीज आपको बॉदर करे, परेशान करे, नेक्स्ट आजान से पहले सोच रखे कि मैंने आजान के बाद भी ये दुआ खास मांगनी। लेकिन उसके बीच में भी आप मांग सकते हैं, मना नहीं।